नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर से। दरअसल लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप का जो मामला है वो काफी गर्माता नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने जो फैसले लिए हैं, इस फैसले से न सिर्फ बीजेपी नेता परेशान है बल्कि उन्होंने तो इस्तीफे देने तक की बात कही है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो जो लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल ने अचानक से तीन चार जो फैसले लिए हैं, ये फैसले अपने आप में चौंकाने वाले तो हैं, लेकिन इससे बीजेपी मंत्री जो है, बीजेपी के मंत्री वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। और एक साथ कई जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफे देने तक की बात की, कई नेताओं ने इस्तीफे देने की बात कही है। और हालांकि अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बीते कुछ समय पहले पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिखी थी, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। ऐसे में जो लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल ने जो जो फैसले लिए हैं उस पर अब राहुल गांधी भी कूदते नजर आए, यानी कि राहुल गांधी भी अब सीधे तौर पर यहां पर जो प्रफुल्ल पटेल है उनको पद से हटाने की बात करें। और ऐसे में देखने को क्या मिल रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं इनको राहुल गांधी का भी साथ मिल गया है, क्योंकि जो बात बीजेपी के नेता जो बोल रहे हैं वही बात राहुल गांधी भी बोलते नजर आ रहे हैं। यानी कि ऐसे में अब बीजेपी नेताओं को पूरी तरह से राहुल का साथ मिला और राहुल गांधी भी अब पूरी तरह से ना सिर्फ प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साध रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि संस्कृति और सभ्यता खत्म करने की कोशिश की जा रही है लक्षद्वीप से। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से बीजेपी नेता जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी भी कुल मिलाकर जो है वो बीजेपी नेताओं के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। लक्षद्वीप बीजेपी यूनिट के 8 नेताओं ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के हालिया फैसले के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं का मानना है कि लक्षद्वीप प्रशासक का फैसला है जिस तरह का है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति और शांति बर्बाद हो जाएगी। बीफ बैन, एंटी गुंडा एक्ट, पंचायत चुनाव में योग्यता, डेवलपमेंट अथॉरिटी में संशोधन जैसे प्रस्तावों को लेकर राजनीतिक दल प्रफुल्ल पटेल का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से और भी इस्तीफे आ सकते हैं, क्योंकि लोकल बीजेपी यूनिट द्वारा प्रशासन की जनविरोधी गतिविधियों को एक्सपोज करने की कोशिश के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं आया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में नए नियमन के मसौदे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया सागर में स्थित भारत के इस आभूषण को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से लक्षद्वीप के लोगों के साथ एक अलग तरह का बर्ताव किया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सागर में लक्षद्वीप भारत का आभूषण है, सत्ता में बैठे अज्ञानी कट्टरपंथी इसे नष्ट कर रहे हैं, मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि उसे तत्काल इन मसौदे को वापस लेना चाहिए और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को प्रशासक के पद से हटाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि कांग्रेस लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ी है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए लड़ेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग की है। आपको बता दें प्रफुल्ल पटेल का जो बयान सामने आया है और जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल काम करते नजर आ रहे हैं, इससे ना सिर्फ बीजेपी नेता नाराज हैं बल्कि जिस तरह से कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे पर कूद पड़ी है, यानी कि देखा जाए तो अगर जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में बीजेपी के कई और नेता भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं इस्तीफे की खबर अब तेजी से देखने को मिल रही है और अगर यहां से बीजेपी के नेताओं का एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू हो गया तो इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हैरान कर देने वाली बात तो है कि पीएम मोदी को इन नेताओं ने बीते काफी समय पहले चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी का जवाब नहीं आने की वजह से ये नेता काफी ज्यादा मोदी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो चिट्ठी का जवाब नहीं आया और ना ही प्रफुल्ल पटेल को हटाया गया। अगर प्रफुल्ल पटेल को
हटाया नहीं जाता है तो ऐसे में ये नेता बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से देखिए स्थितियां कुछ इस तरह की बनती नजर आ रही है कि ये नेता कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर काम करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर अब मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है और कुल मिलाकर देखिए कि स्थितियां बहुत ज्यादा अलग होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो देखा आपने कि मामला किस तरह से आगे बढ़ चुका है और सबसे बड़ी बात है वो सभ्यता संस्कृति पर आकर रुक चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि संस्कृति और सभ्यता जो है वो लक्षद्वीप की खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से बीफ बैन और जो फैसले लिए गए हैं अभी प्रफुल्ल पटेल की तरफ से, इस पर वैचारिक जो समानताएं हैं वो बीजेपी नेताओं में भी दिखती नजर नहीं आ रही, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल के फैसले से खुश नहीं है। और चौंकाने वाली बात तो आप ये भी देखिए कि बीजेपी के मंत्रियों ने जिस तरह से बड़े स्तर पर चिट्ठी तक लिखी थी, चिट्ठी लिखकर बाकायदा पीएम मोदी से बात भी कही थी, इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं स्थितियां तो बहुत ज्यादा अलग नजर आ रही है। लेकिन अब क्या फैसला आएगा पीएम मोदी की तरफ से, और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस समय ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी नेता जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह से संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो ये बात कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल का फैसला किसी भी मायने में सही नहीं है, ठीक वही बात राहुल भी बोलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है बल्कि वो जनता के साथ भी मिलते नजर आ रहे हैं, वो हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और इससे साफ पता चल रहा है कि राहुल जो है वो पहले के मुकाबले कितने एक्टिव हो चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।